Hi everyone, welcome back to the Logical Reasoning series. Today we will discuss a new topic of series completion, that is continuous pattern series. इस टॉपिक में क्या होगा, आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड करने को बोला जाएगा, मिसिंग लेटर फाइंड करने को बोला जाएगा, मिसिंग ब्लैंक फाइंड आउट करने का बोला जाएगा, आपको इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला जाएगा. कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीरीज कंप्लीशन टॉपिक का. तो आइए हम इस कंटिन्यूशन पैटर्न सीरीज को डिस्कस करते हैं. बेसिकली जो कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज है उसको रिपीटेड पैटर्न सीरीज भी कहा जाता है. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं. This type of question usually consists of a series of small letters which will follow a certain pattern. इसमें क्या होगा, आपको एक सीरीज दी जाएगी स्मॉल लेटर्स की जिसमें आपको ब्लैंक्स दिए हो गए होंगे, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, देखना होगा कि कौन से ब्लैंक में कौन सा लेटर ज्यादा सुटेबल है. However, some letters are missing from the series. जैसे कि मैंने बताया आपको मिसिंग ब्लैंक्स दिए होंगे सीरीज के अंदर. सीरीज के अंदर सभी अल्फाबेट्स दिए होंगे कंटिन्यूस सीरीज में और सभी स्मॉल होंगे, ठीक है. और किसी किसी सीरीज में कैपिटल भी दिए हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर्स भी दिए हो सकते हैं. बस इसमें अल्फाबेट्स का यूज किया गया होगा, इसमें कोई नंबर्स का यूज नहीं होगा और इसमें हमें ब्लैंक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. दीज मिसिंग लेटर्स आर देन गिवन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स. One or the candidate is required to choose this alternative as the answer. आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शंस, आपको ब्लैंक्स दिए गए होंगे, जो आपको सीक्वेंस ये होगी उसमें जो जो पैटर्न बन रहा होगा, जो जो लेटर्स आ रहे होंगे सीक्वेंस वाइज, ये सारा काम इसमें सीक्वेंस का है. कौन से लेटर किसके बाद आ रहे हैं, कौन सा लेटर किसके पहले आ रहे हैं, दो बात कही. एक तो हमें ये पता लगेगा सीक्वेंस को देख के कौन सा लेटर किससे पहले आ रहा है, सेकंड कौन सा लेटर किसके बाद आ रहा है. ये दो चीज हमें बहुत ध्यान से देखनी है. अगर ये दोनों चीज हमने ध्यान से देखी और जो पैटर्न समझा इस क्वेश्चन का, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा. इस टॉपिक में कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज में तीन ट्रिक्स हैं, तीन कंसेप्ट हैं, जो भी हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. होपफुली आपको ये बात समझ आए कि हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन में. हमारे पास स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं. जो सीरीज गिवन होगी उसमें एक भी नंबर गिवन नहीं होगा. सेकेंड थर्ड हमें क्या होगा, हमें क्या निकालना होगा, हमें ब्लैंक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मिसिंग ब्लैंक्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, हमें इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट नहीं करना होगा. नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रिक टू सॉल्व. फर्स्ट ट्रिक, पेयर. हमें इसमें एलिमेंट्स की पेयरिंग करनी पड़ेगी. सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब देखेंगे, सबसे पहले उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लें, उससे हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम ग्रुपिंग कर देंगे. क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे. सेंस, मैंने दो बातें कही थी, कौन सा लेटर किससे पहले, किस लेटर से पहले आ रहा है और कौन सा लेटर किस लेटर के बाद आ रहा है. ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इस ये है हमारा सेंस का कॉन्सेप्ट कि हम डायरेक्टली विदाउट पेयरिंग, विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्वेश्चन, वी फाइंड आउट द ब्लैंक्स. थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन जो ब्लैंक्स होंगे उसके लेटर्स दिए होंगे हमें, उसमें उसके ऑप्शन दिए गए होंगे हमें, तो हमें थर्ड बताते हैं, सॉरी थर्ड बताते हैं, जो ऑप्शन है हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. जो भी एक ऑप्शन ब्लैंक्स में सूटेबल होगा हम उसमें, हम वो वाला ऑप्शन उसमें चूज करेंगे. होपफुली अभी तक आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, आपको ओवरव्यू मिल गया होगा इस टॉपिक का कि आखिर ये टॉपिक है क्या. आइए हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. सो
जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या है, एक सीक्वेंस दे रखे है आपको, सीक्वेंस दे रखे है हम आपको क्या, ये जो पूरी सीक्वेंस है वो उसमें क्या यूज हुए हैं, अल्फाबेट, और वो भी कैसे अल्फाबेट्स, ये लोअर केस अल्फाबेट। इसमें सिर्फ दो ही अल्फाबेट यूज किए हुए हैं, दैट इज ए एंड बी। तो इसीलिए जो मिसिंग अल्फाबेट है, मिसिंग ब्लैंक्स है, उसमें भी दो ही लेटर का इस्तेमाल होगा, ए और बी। तो तीनों तीन ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है उसमें एक एक्स्ट्रा लेटर है सी, तो ये डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बचे तीन ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन है ए बी ए, बी ए ए बी एंड बी ए ए ए। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, कितने हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वन टू, जो जब हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो मिसिंग ब्लैंक को भी काउंट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन। इस वाली सीक्वेंस में हमारे पास 16 एलिमेंट है, तो जो फैक्टर्स बनेंगे 16 के वो क्या होंगे, फोर फोर के पेयर्स बनेंगे इसमें, है ना, फैक्टर्स ऑफ 16 आर 4 क्रॉस 4, जिनमें से 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम 4 4 के पेयर्स बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो आइए एक बार इसका आंसर डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास सीक्वेंस है वो ये है, ए डैश ए ए, ए बी डैश ए, ए बी डैश ए, ए बी ए डैश। फर्स्टली काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, here elements are 16, so we can divide the sequence in 4 elements pair, so we get a dash a, a b dash a, a b dash a, a b a dash। हम अब हम इसके इस पूरी sequence में एक pattern देखेंगे, कौन से letter से पहले क्या आता है, हमें ये missing terms को find करने में बहुत important है। हमने देखा इस वाले में ये वाली term थोड़ी बहुत इससे मिल रही है, ये वाली टर्म जो है थोड़ी बहुत इससे मिल रही है, इसे हमें पता लग रहा है क्या, इसमें भी ए है स्टार्टिंग में, इसमें भी ए है स्टार्टिंग में, इसमें डैश है, इसमें बी है, इसमें क्या है ए गिवन है, और इसमें भी क्या है ए गिवन है, तो ए से पहले क्या आ रहा है बी, तो इस ब्लैंक में भी ए से पहले क्या आएगा बी, तो फर्स्ट लेटर क्या हुआ बी। तो जो हमारे पास ऑप्शन गिवन थे वो क्या थे, ए बी ए, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए बी, तो हमारे पास जो सी और डी है वो स्टार्ट हो रहे हैं बी से, दैट इज बी ए ए बी एंड ऑप्शन डी इज बी ए ए ए, ठीक है। तो इन दो में से एक हमारा आंसर होगा, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द सीरीज केयरफुली, वी ऑब्जर्व दैट इन द लास्ट पेयर बी कम्स बिफोर ए, ए से क्या आया पहले, सो इन फर्स्ट टर्म वी विल फिल बी इन द ब्लैंक। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, सो वी गेट ए बी ए। नाउ अब इसमें देखेंगे, अब इसमें क्या आ गया, बी आ गया था, अब इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर करेंगे, और ये दोनों टर्म क्या है सेम है, तो यहाँ क्या था बी था, यहाँ पे भी बी है, फर्स्ट लेटर बी ए था, फर्स्ट लेटर बी ए है, यहाँ पे क्या है फोर्थ लेटर बी ए है, यहाँ पे भी फोर्थ लेटर ए है, तो बचा क्या ये, यही ब्लैंक बचा, तो इस ब्लैंक में भी क्या आ जाएगा ए। सिमिलरली ये दोनों लेटर्स, ये दोनों टर्म सेम है, सेम है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा ए, और इसमें भी क्या आ जाएगा ए। हेंस जो हमारे पास ऑप्शन आया, जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है, बी ए ए ए, हेंस दैट इज ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया हो और ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया हो, और बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।